नमस्कार, डी लाइव न्यूज की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति के गलियारों से मध्य प्रदेश में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के एमएलए होंगे मालामाल और मध्य प्रदेश की विधायकों की सेहत का रखेगी शिवराज सरकार पूरा पूरा ख्याल। जी हाँ, इस खास पेशकश में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आने वाले दिनों में एमएलए यानी कि विधायकों के लिए बहुत सारी सौगातें लेकर आ रही हैं। इस खास मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे। सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि आखिर एमएलए होंगे कैसे मालामाल। जी हाँ, विधायकों का वेतन यहां पर बढ़ने जा रहा है और नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी कर रही है। जी हाँ, किस तरह से उनके लिए एक सौगात होगी और इसी के साथ साथ नए और नौजवान विधायकों की सेहत के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील रवैया अख्तियार कर रही है और आने वाले दिनों में सभी विधायकों की सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखा जा सके इसके लिए भी शिवराज सरकार ने अलग से प्रावधान किए हैं। क्या है पूरा मामला, सीधे जानते हैं डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे से। पीयूष, राजधानी की इस बड़ी खबर पर क्या है आपकी विशेष टिप्पणी? बिल्कुल महेंद्र जी, जिस तरह से हम लोग बात करें, लगातार विधायकों के वेतन भत्ते को लेकर हलचल तेज थी और सरकार भी इस पर लगातार मंथन कर रही थी, लेकिन कई कारणों के चलते जो है ये मसला कहीं ना कहीं टलते जा रहा था। लेकिन वित्त मंत्री जयंत पलैया जो प्रदेश के हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस मसले पर जो है वो सरकार पूरी तरह से गंभीर है और आने वाले दिनों में जब कैबिनेट की बैठक होगी तो इस पे जो है विधेयक जो है वो पारित कर दिया जाएगा। बात की जाए तो यहाँ पर 80% तक जो है वो इजाफा यहाँ पर विधायकों के भत्तों में हो सकता है, जो एक बड़ी खबर है। जिस तरह से विधायक इस मसले को लेकर लगातार नजरें उनकी जमी हुई थी, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात है और जिस तरह से वेतन भत्ते को लेकर लंबे समय से पक्ष और विपक्ष के बीच में भी हलचलें तेज थी, तो कहीं ना कहीं जब ये हरी झंडी इस पूरे मामले को मिल जाती है तो बड़ा मामला ना सिर्फ मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए बल्कि जनता के नजरिए से भी कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को यहाँ पर गंभीर माना जा रहा है। जी, किस तरह से पीयूष अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के विधायकों की सेहत का ख्याल रखने के लिए भी सदन में जो है चिंता दिखाई दी और सदन में जो तमाम विचार हुए हैं उसके बाद अब क्या लगता है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कैसे विधायकों की सेहत का ख्याल रखने के लिए जागरूकता भी पैदा करने जा रही है? बिल्कुल महेंद्र जी, ये काफी गंभीर मसला है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो विधायक हैं और मंत्री हैं उनकी सेहत को लेकर यहाँ पर चिंतित नजर आते हैं। अगर बात की जाए, जिस तरह से होली और रंगपंचमी के बाद में विधानसभा का बजट सत्र फिर से शुरू होता है, उसमें यहाँ पर जो दिवंगत नेता है, जो विधायक हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो विधायक हैं उनकी फिटनेस को लेकर यहाँ पर काफी गंभीर नजर आते हैं। साफ तौर पर सदन में उनका कहना था कि जो विधायकों की व्यस्तता है, जो अपना बिजी शेड्यूल है, जनता के बीच जाना या समस्याओं को दूर करना, उन सब के बीच में कहीं ना कहीं विधायक अपने जो है फिटनेस को लेकर यहाँ पर जो है वो फिक्रमंद नजर नहीं आते हैं। तो ऐसे में जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में जो है यहाँ पर एक तरह से कहेंगे कि हिदायत दी है कि विधायक और मंत्री जो है अपने सेहत को लेकर यहाँ पर काफी गंभीर दिखाई दें और फिटनेस को लेकर यहाँ पर जागरूक हों, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काफी जोर दिया है। सीधे तौर पर इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं पक्ष ने भी जो है उस फैसले का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नसीहत को लेकर यहाँ पर गंभीरता दिखाई है। वहीं विपक्ष के नेताओं का भी साफ तौर पर कहना है कि यह काफी जो है वो गंभीर मसला है जिस पर विधायकों को आने वाले दिनों में यहाँ पर विचार करना चाहिए और अपनी सेहत के प्रति काफी जागरूक होने की यहाँ पर जरूरत है। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश के एमएलए होंगे मालामाल और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के एमएलए फिट रहें और कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस को लेकर अलर्ट रहें, अवेयर रहें, ऐसी कोशिशें मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार फिलहाल करती दिखाई दे रही है और राजनीति के गलियारों में इस खबर की चर्चा बेहद ही ज्यादा है, चर्चाएं आम है। और आगे बढ़ते हैं, किस तरह से वेतन वृद्धि के मामले में पूरा मसौदा अब तैयार है, 80% तक की जाने वाली इस वेतन वृद्धि में कैसे वित्त मंत्रालय ने भी सूझबूझ दिखाई है, इस पूरे मामले में क्या कहना है प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया का, यह भी जरा दर्शकों को सुना देते हैं। और वेतन वृद्धि का जो मामला है और खासतौर पर जब बात विधायकों के वेतन की होती है तो जनता की निगाहें कुछ ज्यादा ही आकर उन पर टिक जाती है, ऐसे में यहां पर क्या कहना है मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया का, सीधे सुनते हैं उनका क्या है सीधा जवाब। बन के सारी चीजें तैयार हैं, हो गई है और उनकी सहमति हो जाएगी
को कैबिनेट में रख सकते हैं। चलिए, कैबिनेट बैठक में इस पूरे मामले पर तो लग जाएगी मोहर, लेकिन सेहतमंद विधायक हों, सेहतमंद एमएलए हों, फिट एमएलए हों, इसके लिए क्या कुछ कहना है मध्य प्रदेश की सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों का, यह भी जनता को सुनाना यहां पर लाजमी हो जाता है। इसलिए बारी बारी से सुनते हैं। सबसे पहले सुनते हैं क्या कहना है प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता का और हेल्थ मिनिस्टर, जी हाँ, जब बात एमएलए की हेल्थ की आती है तो खुद स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कहते नजर आते हैं। ये दोनों ही मंत्रियों के बयान सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक संजीदा रवैया अख्तियार किया है, अपनाया है विधायकों की सेहत का ख्याल रखने के लिए। क्या है दोनों मंत्रियों का कथन, सीधे सुनते हैं। यहाँ पर लोग इस तरफ दुर्लक्ष, और इसलिए व्यवस्था की पहल है। विधायक घोड़ा डोंगरी के श्री उइके जी के निधन के वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिंता जाहिर की, संवेद सदन भी इस बात से चिंतित तो है, चूंकि सार्वजनिक जीवन जीते हैं, लगातार चलते हैं, और जब छोटी छोटी कोई शिकायत होती है तो ध्यान से छूट जाती है। कभी कभी लापरवाही की वजह से भी, कभी कभी कार्य की व्यस्तता की वजह से भी हमें रोग की जानकारी नहीं हो पाती, और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने जब शोक प्रस्ताव चल रहा था, निधन उल्लेख चल रहा था, उस समय ये बात कही, और बाद में भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से कहा है, मेरी भी चर्चा हुई, और 31 तारीख और 1 तारीख को हम कोशिश करेंगे कि सभी विधायकों के स्वास्थ्य का परीक्षण विधानसभा का जो स्वास्थ्य वाला कक्ष है उसमें करें, और मैं विधायकों से भी संसदीय कार्य होने के नाते विनम्र प्रार्थना करूंगा कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा सही और हम सबकी भी, हम सभी विधायक गण चूंकि अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, कई जगह खाना पीना पड़ता है, और भोजन करते में, जाते में, आते में स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहें, क्योंकि आज प्रदेश को, उनके परिवार को, सदन को, उन सबकी आवश्यकता है, तो स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हों, और 31 और 1 तारीख को अध्यक्ष जी जैसी व्यवस्था देंगे उसके अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण कराए। चलिए पीयूष, क्या कहना चाहेंगे, दोनों ही मंत्रियों का बयान यहाँ पर हमने सुना है, सेहत का पूरा पूरा ख्याल रखने की जरूर बात यहाँ पर विधायकों की जा रही है, मंत्रियों ने जरूर भरोसा दिलाया है। इस पूरे पहल के पीछे की आखिर कवायद क्या है, और कैसे ये दोनों मामले जो हैं इन दिनों राजधानी में इनके चर्चाएं बिल्कुल आम है। बिल्कुल महेंद्र जी, जिस तरह से हम लोग बात करें विधायकों के वेतन को लेकर जो मामला है वो काफी दिनों से चर्चाओं में था, लगातार इस मसले को लेकर लगातार जो है वो बैठकों का दौर चला, इसमें पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उनका भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रतिक्रियाएं सामने आई। इससे पहले भी सरकार ने कई बार जो है वो वेतन भत्ते को बढ़ाने को लेकर चर्चा की थी, लेकिन किसी कारण के चलते यहाँ पर जो है वो ये मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चले गया। लेकिन वित्त मंत्रालय जो एक बड़ा यहाँ पर मंत्रालय विभाग है जो तय करता है कि किस तरह से जो है वो वेतन को बढ़ाया जाएगा और भत्ते किस तरह से यहाँ पर विधायकों को जो है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, उसको लेकर यहाँ पर जो है वित्त मंत्रालय ने पूरा मसौदा तैयार किया। और अब कैबिनेट की बैठक में जब इस पूरे मुद्दे पर जो है हरी झंडी मिलने वाली है तो उसके बाद में विधायकों में यहाँ पर कहीं ना कहीं खुशी का माहौल जरूर देखा जा रहा है। इसके अलग अगर हम लोग बात करें दूसरे मुद्दे की तो 31 अप्रैल जो है वो मार्च और 1 अप्रैल को विधानसभा का जो स्वास्थ्य केंद्र है, हम लोग बात करें जो वहां पर परीक्षण केंद्र है, वहां पर जो है सीधे तौर पर एक कैंप लगाया जाएगा जिसमें तमाम विधायकों का चेकअप किया जाएगा। तो सरकार संजीदा है क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें तो विधायकों की फिटनेस का जो है वो ख्याल इसलिए भी यहाँ पर ज्यादा सता रहा है सरकार को, क्योंकि अगर विधायक फिट रहेंगे तो शायद जनता की समस्याओं के निराकरण करने के लिए कहीं ना कहीं विधायक जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त नजर आएंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार काफी चिंतित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी हिदायत दे चुके हैं, हम लोग बात करें तो मंत्रियों के फिटनेस रिपोर्ट को लेकर DLive न्यूज की टीम ने भी कई बार मुद्दा उठाया था। इस पूरे रिपोर्ट कार्ड को, हेल्थ के रिपोर्ट कार्ड को भी कई बार जो है वो हम लोग खबरों के जरिए प्रसारित कर चुके हैं। उसके बाद में कहीं ना कहीं गंभीरता सरकार ने जरूर दिखाई थी, लेकिन अब जब यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मसले पर पूरी तरह से गंभीर हैं
तो लाजमी है कि विधायक भी इसको गंभीरता से लेंगे और जिस तरह से इस पर पक्ष और विपक्ष की ने इस फैसले का स्वागत किया है उसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी किस तरह से अब विधायक एमएलए प्रदेश के हैं वो कितना जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। जी महेंद्र बिल्कुल, चलिए यहाँ पर इतना जरूर भरोसा जनता को दिलाया जा सकता है कि भले ही जनता की सेहत का ख्याल सरकार को बाद में आए लेकिन अपनी ही सरकार का हिस्सा या कहा जाए सरकार यानी कि सदन का हिस्सा विधायकों की सेहत को लेकर जरूर मध्य प्रदेश की सरकार संजीदा है, जरूरी कदम उठा रही है। और जहां बात आती है विधायकों के वेतन की तो उनकी चिंता भी सरकार को पूरी पूरी है। राजनीति के गलियारे में इस खबर की चर्चाएं हैं आम और किस तरह से राजधानी में तमाम राजनेता इस खबर को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, यह भी जरूर जनता को बताना जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है कि मध्यप्रदेश की सरकार ने इस पूरी कवायद के बाद यह दिखा दिया है कि किस तरह से वो जितनी जनता की परवाह करती है उतनी परवाह वो अपने सदन के सदस्यों की भी करती है। बहरहाल आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस तरह से एमएलए होंगे मालामाल और मध्यप्रदेश के एमएलए किस तरह से फिट एंड फाइन कहलाएंगे यह भी देखना लाजमी होगा। फिलहाल डीलाई न्यूज पर इजाजत दीजिए, आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश एमएलए होंगे मालामाल और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार रखेगी अपने एमएलए का एमएलए की सेहत का पूरा पूरा ख्याल। हमारे साथ जुड़े थे डी लाइव न्यूज के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे। खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए डी लाइव न्यूज के साथ।